हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के कोटगढ़ वन मंडल क्षेत्र में भालुओं द्वारा पालतू जानवरों पर लगातार हो रहे हमलों से लोग दहशत में हैं। कोटगढ़ के किरट्टी पंचायत क्षेत्र में एक हफ्ते के भीतर भालुओं ने आधा दर्जन से अधिक गौशालाओं को तोड़कर पशुओं पर हमला किया है, जिनमें से कुछ दुधारू गाय मार दी और कुछ चकमी की है। लोगों का कहना है कि भालू गौशालाओं की मजबूत खिड़की दरवाजों को तोड़कर अंदर प्रवेश कर रहा है और पशुओं को मार रहा है। ऐसे में लोगों को डर है कि कहीं भालू अब लोगों के घरों में प्रवेश कर मनुष्य को ही शिकार न बना ले, इसलिए लोगों ने सरकार और वन विभाग से जल्द भालुओं को पकड़ने की गुहार लगाई है। गांव में लोगों की दहशत को देखते हुए स्थानीय विधायक समेत वन विभाग की टीम ने मौके का मुआयना किया और भालुओं को पकड़ने की कवायद तेज कर दी। तिलान गांव की चंद्रकला ने बताया कि उनकी गौशाला में भालू ने खिड़की व दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया, अंदर दो दुधारू गौओं को मार दिया। अब उनके घर बुजुर्ग है जो दूध लस्सी के बगैर खाना नहीं खाते, उन्हें खाना कैसे खिलाएं। ग्रामीण टेकचंद सरकेक ने बताया कि उनकी गौशाला में दरवाजा तोड़कर भालू प्रवेश करने लगा और बाहर से ही भालू ने पंजों से गाय को जख्मी भी किया। इस दौरान गाय ने आवाज निकाली, दरवाजा टूटने का पता चला और वे बाहर निकले तो भालू भागा। तीन चार दिन में ही आसपास में पांच जगह गौशालाओं में पशुओं पर अटैक किया है, चार गाय मार भी दी है। उन्होंने बताया कि आज भालू पशुओं पर हमला कर रहा है, कल इंसान को भी शिकार बना सकता है, इसलिए लोग दहशत में है। क्षेत्र के विधायक राकेश सिंघा ने बताया क्षेत्र में पालतू पशुओं और भालुओं के हमले की घटनाएं सर्दियों से चली हैं, लेकिन एक हफ्ते से इन घटनाओं में इजाफा हुआ है। इस दौरान चार दूध देने वाली गाय अलग अलग स्थानों पर मार दी गई हैं। इस तरह गौओं पर आक्रमण बढ़ रहा है, आने वाले समय में भालू लोगों पर भी आक्रमण कर सकता है। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी सरकार और वन विभाग की होगी। डीएफओ कोटगढ़ ने बताया कि स्थिति को देखते हुए जो भी मुनासिब होगा प्रयास तेज कर दिए हैं। पिंजरे भी लाए जा रहे हैं, टीम भी मंगवाई गई है, इसके अलावा अन्य विकल्प भी देखे जा रहे हैं, मारने की इजाजत नहीं है। उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि देर सवेर घरों से लोग अकेले ना निकले, गौशालाओं के पास धुआं छोड़े। सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। विधायक के अचानक हॉस्पिटल में आने से हड़कंप सा मच गया। विधायक ने अस्पताल में जहां सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, वहीं उन्होंने मरीजों से मिलकर उनका कुशल क्षेम भी जाना और उन्हें पेश आ रही दिक्कतों के बारे में भी पूछा। उन्होंने सभी से फीडबैक लिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश भी दिए। विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि उन्होंने औचक निरीक्षण किया है, जिसमें कई बातें सामने आई हैं, जिसमें सुधार का नितांत आवश्यकता है, जिसके लिए वे आवश्यक दिशा निर्देश अस्पताल प्रशासन को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीज अच्छे इलाज के लिए आते हैं, इसलिए सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वे जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलेंगे। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अस्पताल में चिकित्सकों की संख्या बहुत ज्यादा कम है। कांग्रेस सरकार में चिकित्सकों की संख्या 34 हुआ करती थी, जो घटकर करीबन 23 रह चुकी है, जो एक शर्मनाक बात है। सोलन की मही पंचायत में पर्यटन विभाग द्वारा विशेषता महिलाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में टैक्सी ऑपरेटर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिक उपचार की विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महिलाओं को पंजाब रेड क्रॉस सोसाइटी से आई टीम ने बेहद रोचक तरीके से प्राथमिक उपचार की जानकारी दी और महिलाओं की प्राथमिक उपचार से संबंधित जिज्ञासाओं को भी उचित जवाब देकर शांत किया। मही पंचायत के प्रधान ने नंद किशोर और पर्यटन विभाग के अधिकारी ईशु ठाकुर ने बताया कि समुदाय आधारित पर्यटन को विकसित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, ये गांव वासियों के लिए बेहद लाभप्रद है। इस कार्यशाला से महिलाओं और अन्य लोगों में प्राथमिक चिकित्सा में दक्षता आएगी और वे किसी भी गंभीर स्थिति से निपट सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं की
गांव वासियों को अति आवश्यकता है। इसी वजह से पर्यटक गांव में आकर अपने आप को सुरक्षित समझेंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।